ग्रेट मॉर्निंग जी ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर सेवन इन रिलेशन टू एन ए वी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्सपेंस रेशियो आज हमने डिस्कस करना है एंड बिफोर डूइंग एक्सपेंस रेशियो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एन ए वी के ऊपर जो कैलकुलेशन है जो आपके वर्क बुक में क्वेश्चन हैं आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट आज के इस लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप अपनी कमर सीधी करके कैलकुलेटर जरूर अपने पास रखें टर you know? तो आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है या नहीं है कोई टेंशन लेने की नहीं है यार आप बस मेरी बात को ध्यान से सुने आई थिंक ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं? मैंने ये चार्ट लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये चार्ट क्या है कि आप सबसे पहले यूनिट कैपिटल लेते हैं फिर प्लस इंटरेस्ट इनकम करते हैं मतलब जिससे आपकी कैपिटल जिससे आपके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेंगे उनको ऐड कर देते हैं फिर डिविडेंड इनकम को ऐड कर देते हैं फिर रिलायंस कैपिटल इनकम को ऐड करते हैं फिर वैल्यूएशन गेंस को ऐड करते हैं वैल्यूएशन लॉस मतलब अनलाइज कैपिटल लॉस स्कीम एक्सपेंसेस आज मैं आपको स्कीम एक्सपेंसेस की बातें भी बताऊंगा कि एक स्कीम में ज्यादा से ज्यादा अगर वो इक्विटी स्कीम है तो कितने एक्सपेंसेस से भी कहता है कि आप डेबिट कर सकते हो इन केस इट इज इट इज एंडेड स्कीम हाउ मेनी हाउ मच यू कैन डेबिट एंड इन केस ऑफ अ क्लोज एंडेड हाउ मच इन केस ऑफ अ डेट स्कीम हाउ मच वो सभी कैलकुलेशन बड़ी ईजी हैं आपको फिगर्स ध्यान में भी नहीं रखनी बस आप आज अगर दस मिनट

मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर टू की तरफ बढ़ रहा हूं कमर बिल्कुल सीधी है और मैं आगे चलता जा रहा हूं इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल इट इज डन जब तक वो काम पूरा नहीं होता ना तो वो लगता है इम्पॉसिबल है लेकिन वो इम्पॉसिबल है नहीं इट इज पॉसिबल आई कैन डू इट क्यों नहीं कर सकते आप इट इज पॉसिबल तो इन बातों के साथ आज के इस लेक्चर में मैं बिफोर कमिंग टू टोटल एक्सपेंस आपके साथ पहले मैं वर्कबुक में आ रहा हूं ना वर्क बुक में अगर आप देखेंगे तो वर्क बुक में बड़ी प्यारे प्यारे सा एक क्वेश्चन दिया है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ डिस्कस कर लूं एंड अगर आपके वर्क बुक है तो आप ओपन कर ले बेटा एग्जांपल नंबर वन में निकाल रहा हूं इस समय कैलकुलेट द एन गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको ये इंफॉर्मेशन से एन नेट एसिड वैल्यू निकालना है आई थिंक फेयर वैल्यू प्रिंसिपल हमें याद है आई थिंक हमें थर्टी डेज वन वीक लास्ट डे लिक्विड एसिड गोल्ड बॉन्ड सब कुछ आइडिया है नहीं भी है तो आ जाएगा आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाए वैल्यू ऑफ स्टॉक वो कहता है जी वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इज वन फिफ्टी करोड़ मतलब इट इज इट इज द करेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू इट इज द फेयर वैल्यू फॉलोइंग दोन प्रिंसिपल्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इसका मतलब इस कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स में भी इशू किया और कुछ स्टॉक में भी इशू किया है वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू पॉइंट थ्री सिक्स करोड़ देव इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट ऑल्सो डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड मतलब अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड का मतलब है डिक्लेयर तो हो गया अभी मिला नहीं है मिलना अभी बाकी है रात अभी बाकी है बात अभी बाकी है मतलब अभी मिलेगा भाई साहब अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आ जाए तब भी उसको वापस नहीं कर सकते आपको मिलेगा हंड्रेड वन परसेंट मिलेगा बिकॉज इट इज बीन डिक्लेअर्यड इन जनरल मीटिंग बाई दो एंड यू एज अ म्यूचुअल फंड होल्डर एंड you are फंड यू आर ओनिंग आपको भी डिविडेंड मिलेगा तो मैंने यहाँ लिखा जी, हो गया है मिलने का मतलब वो उस पीरियड से रिलेट कर रहा है बेटे जैसे आप किसी जिस, किसी जॉब में जाते हैं है ना पहले दो दिन गए तीन दिन गए पांच दिन गए आपको एज्यूम करते हैं थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ के बेसिस पे जॉब मिली और आप पाँच दिन गए तो इसका मतलब वो पांच दिन की आपको सैलरी एक दिन की एक हजार हुई अगर थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ करें थर्टी डेज के लिए बेसिस में करें तो एक दिन की एक हजार रुपये हुई आपको एक दिन की जॉब के पैसे एक हजार रुपये पांच दिन गए तो पांच हजार रुपये मिले मिलेंगे अभी नहीं मिले अगले महीने की सात तारीख को मिलेंगे इसका मतलब अभी वो जो एक्सपेंसिस है वो जो सैलरी है वो ड्यू हो गई है बट नॉट रिसीव्ड इट इज नेम्ड एज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इसी तरह से डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया है अभी मिलेगा तो देखेंगे कोई बात नहीं डिक्लेयर तो हो गया आपको मिलने वाला आपका हक तो आ गया उसको बोलते हैं बेटे अक्रूड एंड नॉट रिसीव ठीक है तो यहां देखिए क्या लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव फीस पेबल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट नेट एसेट वैल्यू नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं आई थिंक मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था और हमने ये डिस्कस किया था बड़ा सिंपल है कुछ मुश्किल नहीं है बेटे बहुत इजी है आप घबराना नहीं डरना नहीं इजी है मतलब आपके पास जो यूनिट कैपिटल है उसको ऐड कर दें जो लेनदारी है उसको जमा कर दें जैसे वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गए वन फिफ्टी करोड़ तो इसमें हम वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ये ऐड कर देंगे है ना ये ऐड होना चाहिए ये ये भी ऐड होना चाहिए ये भी ऐड होना चाहिए ये भी एड होना चाहिए ये भी एड होना चाहिए ये माइनस होना चाहिए आप बताइए तो 150, 150 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं 150 फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस टू प्लस 1.09, पॉइंट जीरो नाइन प्लस सिक्सटी प्लस टू प्लस 1.09 प्लस 2.68 ये आ गया जी उसके बाद माइनस 0.36 माइनस 1.90 ये आ गया 220.220.87 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेशंस आ जाएंगी आप देखिए जी ये आ गया जी 220 इट मींस मैंने किया इसका मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी मैंने 150 को ऐड किया ठीक है 150 ऐड करना है 150 150 हमने ऐड किया मैं दोबारा देख मुझे लगता है कैलकुलेटर से कुछ गलती होगी मेरे मैंने गलती कर दी मतलब 150 प्लस 67 प्लस 2.36 प्लस 1.09 प्लस प्लस टू पॉइंट सिक्स एट आ गया दिस माइनस पॉइंट थ्री सिक्स ये आ गया जी दो सौ बाईस बिल्कुल सही है जो आप मैंने मेरे से गलती हुई थी आप देखिए टू हंड्रेड ट्वेंटी टू टू हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन सेवन करोड़ आ गया और डिवाइडेड बाय पॉइंट नाइन जीरो वो है तो ये देखिए ये वैल्यू आ रही है आप करके देखिए ना इजी है और डिवाइडेड बाय दिस करें तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी एग्जाम्पल टू में आ गए ट दी ड्यूरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि आपको एक मिनट दे रहा हूं अपने आप एक बार सोल्व करें आसान है मुश्किल है ही नहीं वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है वैल्यू ऑफ मनी मार्केट दिया हुआ dividend received है डिविडेंट टू बी रिसीव है अमाउंट पेबल है देखो ये पेबल लिखा है आपको देना है देनदारी लेनदारी लेनदारी माइनस देनदारी अगर आप लेन में से दे, देन करते हैं तो नेट आ जाएगा लेनदारी इसको बोलते हैं नेट एसेट्स अमाउंट रिसीवेबल्स फीस पेबल देखो जो पे करना है उसको डिवाइड ब्रैकेट में डालो बस सबको प्लस कर दो तो ये जो स्केयर में डाले मैंने रेक्टेंगल में डाले को माइनस कर दो तो, डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा तो बेटे आपके पास आंसर है कुछ मुश्किल है थोड़ी ये देखो ना ये देखो दो चीजें लेस करनी है और आपके सामने प्रोसेस आ गया एटी सेवन पॉइंट फोर एट कितना तो आसान है अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह से एग्जाम्पल दिया होगा यू हैव तो टू कैलकुलेट नेट ने वैल्यू कर सकते हैं कुछ मुश्किल नहीं है अब देखिए ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एग्जांपल्स में एक्सपेंस की बात हो रही थी कि एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंसेस इतने हैं आप मुझे बताइए कि एसिड अंडर मेर, एसिड मैनेजमेंट कंपनी जो है यू you नो know, वो उन्होंने बड़े सारे प्रोफेशनल्स हायर किए हैं बड़े सारे स्कीम्स में खर्चे किए हैं ना उसका कुछ लिमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो एक्सपेंसेस किस किस तरह के होते हैं है ना जैसे एक एनएफओ आता है तो बिगिनिंग में एनएफओ के आने से पहले बड़े सारे एम को खर्चे करने पड़ते हैं बड़े सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिज करने पड़ते हैं एंड वंस दैट स्कीम हैज बीन लॉन्च उसके बाद भी बड़े सारे एक्सपेंसिज होते हैं ना सेबी ने क्या किया जो एक्सपेंसिज हो रहे हैं जो नो इनका एक लिमिट बना दिया कि भाई इससे ज्यादा एक्सपेंसिस नहीं हो सकते मैं वैसे अभी आपको वेबसाइट में लेके जाऊंगा वहां से दिखाऊंगा कि भाई इससे ज्यादा एक्सपेंसिस आप डेबिट नहीं कर सकते ठीक है तो एक बार छोटा सा आप आज के लेक्चर में एक हेडिंग लिख डाले आज के लेक्चर के लिए और उस हेडिंग का नाम है टोटल एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स मतलब एक म्यूचुअल फंड स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस इन द म्यूचुअल फंड स्कीम आप फर्स्ट पार्ट लिखेंगे You know, तो रेत आएगी लोग आएंगे लेंटर डलेगा ब्रिक्स आएंगी बड़े सारे खर्चे होंगे अच्छा बिल्डिंग बनने के बाद और भी एक्सपेंसिस होंगे जो रकरिंग नेचर के होंगे जो बिल्डिंग बनने से पहले वो नॉन रकरिंग नेचर के हैं बिकॉज वो कभी कभी होंगे लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का है वाटर का है म्यूनिसपल टैक्स का है और उसकी मेंटेनेंस है वो एक्सपेंसेस बाद में होंगे और रकनिंग नेचर के होंगे तो मैं कहता हूँ अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखें देर आर टू टाइप्स ऑफ आर म्यूचुअल फंड जनरली इनकर्स एक तो इशू रिलेटेड हो गए मतलब स्कीम आने से पहले और एक स्कीम आने के बाद वाले हो गए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिस वन इज प्रायर टू दैट स्कीम एंड सेकेंड इज आफ्टर दैट स्कीम ठीक है अब इन एक्सपेंसेस में लिमिट है कि आप इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हो तो पहले आप लिख लें टू एक्सपेंसेस एंड रेकरिंग एक्सपेंसेस घर बनाने से पहले और घर बनने के बाद सिमिलरली लार्ज कैप स्कीम एक्सेस की लार्ज कैप फंड आने से पहले और एक्सेस के लार्ज कैप फंडम आने के बाद

उस स्कीम में सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराने तो उसके एक्सपेंसेस उस स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट बनने के एक्सपेंसेस मतलब आप सोचिए ना कि एक स्कीम अगर आती है तो उससे पहले क्या क्या बातों को करना पड़ता है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को मैं कहता हूं वो सारे के सारे जो एक्सपेंस होंगे विच आर रिलेटेड विद दो होंगे उसको हम इशू एक्सपेंसिस बोलते हैं और एक बार स्कीम आ गई तो उसके बाद जो खर्चे होंगे उसको हम रिकरिंग एक्सपेंसिस बोलते हैं तो आप ऊपर लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में आप लिख रहे हैं टू काइंड ऑफ एक्सपेंसिस उसको ब्रैकेट में डाल के दो पार्ट लिख रहे हैं इनिशियल इशू एक्सपेंस

सेबी की फाइलिंग फीस होगी क्योंकि आप सेबी के पास जा रहे हैं आपको बड़े सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग्स अब आप ये बताइए एक स्कीम आ गई तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाना पड़ेगा उनको हाई टी करानी पड़ेगी लंच कराना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा कि इस स्कीम में क्या बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के क्या स्पेशल फीचर्स हैं ठीक है जी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा कि हम लार्ज कैप स्कीम में आ रहे हैं नई स्कीम में आ रहे हैं ये सभी जो खर्चे होते हैं इन सबका नाम है इशू एक्सपेंसिस एक बार स्कीम लॉन्च हो जाए उसके बाद जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं रकरिंग एक्सपेंसेस तो जैसे मैंने आपके सामने हाँ पर टाइमलाइन बनाई क्योंकि एन एफ दिन में क्लोज हो जाता है तो टी जीरो से टी पंद्रह टी जीरो से टी पंद्रह टू टी पंद्रह तक बिगिनिंग से मतलब टी जीरो के पहले से और अप टू टी पंद्रह तक टू द क्लोजर ऑफ एन इन सभी एक्सपेंसिज को इशू एक्सपेंसि बोलते हैं तो पहली बातों हमें यह पता होना चाहिए कि नेचर के एक्सपेंसि का है ना फिर हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और कम से कम कितने कर सकते हैं ठीक है सर रकरिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं रकरिंग एक्सपेंसेस में देखिए मैं भी आपको लिस्ट दिखाऊंगा रकरिंग एक्सपेंसेस की ह्यूज लिस्ट है रकरिंग एक्सपेंसेस में कि भैया ये एक्सपेंसेस आप रकरिंग नेचर के हैं जो बार बार होंगे जैसे अभी देख लेते हैं आप सोचिए तब तक मैं नीचे लेके ले आ रहा हूँ उसको वहाँ पे आप सोचिए ये रखने की लिस्ट है जो वर्किंग आपको वर्क बुक मार्केटिंग एक्सपेंसेस ब्रोकरेज एक। एक्सपेंसेस रजिस्टर सर्विस एक्सपेंसेस ऑडिट एक। फीस कस्टोडियन फीस कॉस्ट रिलेटेड टू तो इन्वेस्टर कम्युनिकेशन कॉस्ट ऑफ फंड ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंट स्टेटमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम वाइंडिंग अप कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सैटोटरी पढ़ते जाइए पढ़ेंगे तो एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद स्कीम रनिंग मतलब स्कीम जब चल पड़ी तो ऐसे गाड़ी खरीदने से पहले आपको उसका कैपिटल एक्सपेंसिस कार परचेज करनी है कार का, का कवर लेना है कार की बाकी इंश्योरेंस करानी है कार का रोड टैक्स देना है दोज आर रिलेटेड विद कार एक बार कार आ गई तो कार को चलाने के लिए उसकी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस उसका रनिंग एक्सपेंसिस उस, उसका तो दोज आर रकनिंग एक्सपेंसिस तो दोनों एक्सपेंसिस के लिए लिमिट है कि इससे ज्यादा आप एक कंपनी एक स्कीम में डेबिट नहीं कर सकती अभी मैं आपको वेबसाइट लेके जाऊंगा तो दीज आर द कैन बी देयर जो आपको इनकर करने हैं तो मैं आ गया जी दोबारा से अपनी हैंड स्लाइड में उसके बाद फिर वहां पर आऊंगा तो दीज आर द जो डे टू डे मैंने नहीं लिखा बड़े सारे लिस्ट है भाई आपको दिखा दी लिस्ट यार कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे ऑर्डर फीस होगी सर्विस प्रोवाइडर फीस होगी ये आपने वर्कबुक से देख लिया अब इनकी लिमिट्स है मतलब आप 10, 12, 15, 20 एक्सपेंसेस आपने देखे उनके अंदर की सब लिमिट्स नहीं है ओन एन एवरेज टोटल लिमिट है कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती है कि इक्विटी स्कीम 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 एक स्कीम, एक फंड़ फंड़ स्कीम, एक डेट फंड फंड ऑफ ऑफर लिक्विड इट मीन ओवरऑल लिमिट है कि आप इससे ज्यादा डेबिट नहीं कर सकते इंडिविजुअल लिमिट्स नहीं है मतलब इंडिविजुअल सब लिमिट्स नहीं है तो मैंने यहां पे लिखा है देर आर नो सब लिमिट्स विद इन द एक्सपेंस रेशो एक एक्सपेंस रेशो में कोई भी सब लिमिट्स नहीं है नोट नंबर टू एक्सपेंस रेशो अबो प्राइब लिमिट शेल बी बोर्न कर रहा हूं कि दो परसेंट का रेट है है ना अज्यूम कर रहा हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितने भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसका दो परसेंट से ज्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए मैं अभी अज्यूम करता हूं कि ये रेट है अगर उससे ज्यादा किया तो फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट एएमसी एमसी कंपनी को अपने आप हाँ वो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे दैट कैन नॉट बी डेबिटेड बाय यू नो इन 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 द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो फिर डेबिट नहीं कर सकते जैसे मैं एक बार आपके लिए आया और मैंने कहा कि आप देखिए ये आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको इनको ध्यान से पढ़ना है कि एक्सपेंसेस हैं क्या और ये क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए सर ये देखिए सर कंसेप्ट नंबर पाँच मैंने अपने स्लाइड्स में इसके लिए बड़ा प्यार से प्रिपेयर किया टोटल एक्सपेंसिस इन द म्यूचुअल फंड स्कीम की दिस दीज कैन बी द एक्सपेंसेस और दिस कैन बी द नेचर और दिस कैन बी द अमाउंट विच कैन बी देयर और उसके बाद हमें एक टेबल को समझना है कि वो टेबल क्या कह रहा है बस उस टेबल के ऊपर आपको एग्जांपल्स देखने हैं मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल एक्सपेंस की एक लिमिट्स हैं ये थोड़ी सी लिमिट्स को हमें ध्यान रखना है है ना

तो टोटल एक्सपेंसेस सारे मिलाकर सब कुछ मिलाकर 2.25 परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते ठीक है यहां पे क्या लिखा है पहले 500 करोड़ में इतने नेक्स्ट ढाई में इतने और नेक्स्ट 1250 में इतने और नेक्स्ट 3000 में इतने और नेक्स्ट 5000 में इतने और नेक्स्ट 40000 में इतने एंड ऑन द बैलेंस इतने बेटा इसके पीछे लॉजिक है स्लैब रेट के लिए क्योंकि आप ना स्टार्टिंग में आप चेक करो तो इश्यू एक्सपेंसिस ज्यादा होंगे लेकिन जैसे जैसे स्कीम बड़ी होती जाएगी उसके एक्सपेंसिस कुछ कम होने लग जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं तो देखिए आप अगर आप ध्यान से देखें तो पहला स्लैब रेट देखो टू पॉइंट टू फाइव परसेंट है फिर है टू फिर वन पॉइंट सेवन फाइव फिर वन पॉइंट जीरो जीरो इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है और इधर से देखो अमाउंट बढ़ रहा है जैसे पहले पांच सौ फिर ढाई सौ फिर बारह सौ पचास फिर हजार फिर तीन हजार फिर पांच हजार मेरी बात को आप समझ रहे हैं? मैंने कहा expenses ratio में इससे ज्यादा नहीं हो सकते तो आपको यूज करना, करना, अच्छा, करना पड़ेगा देखना पड़ेगा whether that is equity scheme or debt scheme. जैसे पर करिए ये कह रहा है अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स इट मींस इक्विटी के लिए रेट है पहले 500 में ढाई इसमें रेट है दो क्योंकि डेट में कुछ खर्चे एक्सपेंसिस कम होते हैं ठीक है इसमें इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट टू ऊपर सेवन फाइव इसमें अगर आप चेक करें तो इक्विटी से रिलेटेड अगर हम देखें तो डेट के एक्सपेंसिस कम है होते भी कम है देखो टू पॉइंट टू फाइव से पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव कम कर दिया तो अगर आपको यहां पर ध्यान रखना इक्विटी का याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट का याद हो जाएगा अब एक बच्चा कहता है याद कैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी मैं क्वेश्चन छोटा सा कराऊंगा क्यों नहीं याद होंगे आपको समझ आ जाएगा आपको समझ आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आइए आइए ये देखिए ये देखिए मैं अज्यूम करता हूं कि एक एक कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर स्कीम में उन्होंने जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किए हुए अभी बेटे वो ऑटोमेटिकली so आपको वहां से मिल जाते हैं उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है ये ये देखिए मैंने आपके लिए ये निकाला है ये सी का है है ना आप इसकी एक्सपेंस रेशियो भी निकाल सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया सबसे पहले तो ये देखिए आई सी प्रोडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ इसमें इन्होंने बताया कि कंपाउंडेड हमारा ग्रोथ रेट कितना है एनएवी कितनी चल रही है एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए लिखा हो वन जीरोट इट मीन इसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है पहले 500 के ऊपर फिर अगले 250 के ऊपर फिर, फिर इतने के ऊपर फिर इतने के ऊपर मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा इट मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक्सपेंसेस का टोटल एक्सपेंसेस का इश्यू एक्सपेंसेस प्लस रकनिंग एक्सपेंसिस वो हमारी थोड़ी सी स्लैब याद रखनी है कि इक्विटी में क्या है और अदर देन इक्विटी में क्या है उसको देखेंगे मैं भूपेश आनंद मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्वांट की कैलकुलेट किया बट बड़ी मेहनत की आप मेरे आप चेक करिए कोई भी आप लेक्चर देख लीजिए इस तरह से साइड खोलकर इस तरह से फैक्टशीट दिखाकर इस तरह से एमपी में जाकर इस तरह से यू नो एडवाइजर खोज में जाकर कौन कराता है यार खाली वो पीपीटी वर्क बुक पढ़ दी उन्होंने और आप उससे पास हो सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज नहीं आएगी नॉलेज तभी आएगी जब आप उसको गहराई में जाएंगे उसको रिलेट करेंगे लाइफ से जैसे मैंने बताया है, है ना आप देखिए ना मैंने कितनी सारी आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखी है ये एम की साइट ओपन करके रखी है एम के डीलर्स एम में अलग अलग तरह की स्कीम्स में आप देख सकते हैं है ना ये देखिए एम का मैंने डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर बनाया ये एक्सपेंसिज की रेशो बनाई ट्रैक रिकॉर्ड बनाया तो आप पहले एक मेरी बात सुनेंगे फिर हम इसमें दोबारा से आएंगे हाँ बात अलग है कि अगर आप थोड़ा सा मन थोड़ा छोटा नहीं हो आपका इसलिए मैंने एक छोटा सा गाना आपके लिए रखा है घबराना नहीं है दोस्त करके दिखाना है है ना ये देखो यार उसके बाद आपने अपना धंधा कैसे बढ़ाना है भूपेश आनंद बताएगा आइए थोड़ा सा लिख लें तभी तभी आपको लॉजिकली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आइए सर आइए मेरे बेटे आइए एज्यूम करते हैं कि एक एसेट अंडर मैनेजमेंट एक म्यूचुअल फंड की सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटीन करोड़ रुपीज की है तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं आपको जो पेपर में आएगा कैलकुलेट एंड लेटेड स्कीम बीटीड बी इक्विटी इक्विटी स्कीम स्कीम इट इज नॉट नॉन बी ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम क्लोज एंडेड भी नहीं है तो अब आप ये बताइए इसमें आप मैक्सिमम कितने एक्सपेंसेस डेबिट कर सकते हैं और आपको पता है अभी आपको चार्ट दिखाया मैंने ऑन द फर्स्ट रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ पहले पांच सौ करोड़ ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट ओके में आप ढाई परसेंट कर सकते हैं कैलकुलेटर आप बाहर निकाल लीजिए देखिए जी 6416 के के ऊपर सीधा मैं नहीं लगाऊंगा अंदर पहले करोड़ में I will be using 500 करोड़ में तो 11 चेक करिए आप खुद करिए ना अब अगले अगले ढाई सौ के ऊपर अगले ढाई सौ के ऊपर दो परसेंट अगले ढाई सौ के ऊपर मतलब अभी तो हमारे पास सिक्स फोर वन सिक्स करोड़ के एसेट्स हैं इसमें से मैंने पाँच सौ पहले लेस कर दिया अगले ढाई सौ के ऊपर तो गया जी, पाँच। कर बेटे टोटल एसेट्स हैं सिक्स फोर वन सिक्स करोड़ आई कैन नॉट डायरेक्टली यूज टू पॉइंट फाइव परसेंट और टू परसेंट और स्लैब्स बड़ी ईजी है पहले 500 सौ के ऊपर इतना फिर अगले ढाई सौ के ऊपर इतना फिर अगले के ऊपर इतना तो पहले 500 सौ के ऊपर टू पॉइंट टू फाइव निकाला तो इलेवन पॉइंट टू फाइव आ गया फिर नेक्स्ट टू फिफ्टी के ऊपर दो परसेंट निकाला तो इतना आ गया और नेक्स्ट बारह सौ पचास करोड़ ऑफ एसेडेंटल मैनेजमेंट 1.75 है अब हमारे पास टोटल एसेट्स हैं तो आइए बारह सौ पचास वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ये आ गया, गया जी टू ट्वेंटी एट सेवन फाइव मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया आपके लिए अब आप कैलकुलेटर से भी नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर ये गलती वाली बात है करो बेटा कमर सीधी करके करो अब देखो जी आपके पास ऑन द बैलेंस तीन हजार है ना सिक्स फोर वन सिक्स के टोटल एसेट्स हैं अगर आप देखें तो अभी तक हमने कितने यूज कर लिए सिक्स फोर वन सिक्स में सबसे पहले मैंने पाँच सौ लेस किए पाँच सौ यूज कर दिए थे फर्स्ट स्लैब में फिर दूसरी स्लैब में ढाई सौ थे फिर उसके बाद आ गए तीसरी स्लैब में थर्ड स्लैब में वन टू फाइव जीरो उसके बाद है तीन हजार है ना तो ये आ गया तीन हज़ार तो बेटा अभी भी चौदह सौ सोलह एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वन फोर वन सिक्स रुपीज करोड़ के ऊपर जो बैलेंस रह गया उसके ऊपर 1.5 परसेंट है तो 1.5 परसेंट मैंने लगाया बेटा यार ट्वेंटी टू फोर सबको ऐड कर दीजिए सारे एक्सपेंसेस को 11.25 पॉइंट टू प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी आ गया जी वन जीरो सेवन पॉइंट थ्री सिक्स फाइव करोड़ रुपीज एन एम मतलब एक साल में इससे ज्यादा एक्सपेंसिज डेबिट नहीं कर सकती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर करेगी तो उससे ज्यादा उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे आप इस स्कीम के एसेट अंडर मैनेजमेंट में यही कर सकते हैं क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट से जब हम एक्सपेंसिज लेस कर देंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे तो आप चेक करिए एक दिन के भी निकाल सकते हैं मैंने कैलकुलेट करके दिखाया वन जीरो सेवन पॉइंट थ्री फोर फाइव थ्री सिक्स फाइव इज फॉर सिक्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो पर डे के कितने आगे पॉइंट टू नाइन फोर वन करोड़ पर डे इट मीन्स यू कैन ईजिली कैलकुलेट कोई मुश्किल नहीं है इजिली हो सकता है अगर आप चाहें तो तो दिस इज इन रिलेशन टू एक्सपेंसिस आई थिंक मैंने सारा कुछ रिलेटेड करके बताया तो बेटे अब एक छोटा सा लेक्चर आएगा लेक्चर थ्री चैप्टर सेवन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल